नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आप भी ट्रेन से सफर करते होंगे तो यकीनन आप भी इस झंझट में जरूर फंसे होंगे कि आपकी ट्रेन ही लेट पहुंचने वाली है, जिससे आपका काफी समय भी बर्बाद हो जाता है। हालांकि अब रेलवे ने यात्रियों की इन्हीं शिकायतों को दूर करने की कोशिश की है, जिसके तहत ही पूर्व मध्य रेल ने एक नई व्यवस्था को शुरू किया है, जिसमें ट्रेनों के लेट होने के कारण यात्रियों को इंतजार करने से मुक्ति मिल जाएगी। इसको लेकर ही पूर्व मध्य रेलवे ने एक नई व्यवस्था की है, जिसमें ट्रेनों के लेट होने के कारण अब यात्रियों के इंतजार करने से मुक्ति मिल जाएगी। दानापुर रेल मंडल में पटना और राजेंद्र नगर से खुलने वाली 7 ट्रेनों का 25 अगस्त के बाद से रिजर्वेशन कोच एक समान कर दिया जाएगा। कोच एक समान होने से किसी ट्रेन के विलंब से पहुंचने पर उसके स्थान पर समान कोच वाले दूसरे ट्रेन के कोच का उपयोग कर उसे समय पर खोला जा सकेगा। यात्रियों के समय को ध्यान में रखते हुए ही रेलवे ने यह निर्णय लिया है। पुमरे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार की माने तो दानापुर रेल मंडल से खुलने वाली 7 जोड़ी ट्रेनों में आरक्षित श्रेणी के कोचों की संख्या एक समान होगी। इससे फायदा ये होगा कि अगर कोई एक ट्रेन विलंब से पहुंचती है तो उसके स्थान पर चयनित अन्य ट्रेन के कोच का उपयोग कर उसे समय पर खोला जा सकेगा। जिन ट्रेनों में अब ये बदलाव होने वाला है उसमें गाड़ी संख्या 13201, 13202 पटना लोकमान्य तिलक टर्मिनल पटना एक्सप्रेस, 13237, 13238 पटना कोटा पटना एक्सप्रेस, 13239, 13240 पटना कोटा पटना एक्सप्रेस, 13246, 13245 राजेंद्र नगर न्यू जलपाईगुड़ी राजेंद्र नगर कैपिटल एक्सप्रेस, 13248, 13247 राजेंद्र नगर कामाख्या राजेंद्र नगर कैपिटल एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 12352, 12351 राजेंद्र नगर हावड़ा राजेंद्र नगर एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 13242, 13241 राजेंद्र नगर बांका राजेंद्र नगर एक्सप्रेस इसमें शामिल है। इसके साथ ही रेलवे की योजना के अनुसार अब इन 7 जोड़ी ट्रेनों के आरक्षित कोच को एक समान किए जाने पर कोच संयोजन में बदलाव किया जाएगा। इससे आरक्षित कोच की संख्या में बदलाव होगा। कोचों के मानकीकरण के प्रभावी होने के बाद ही प्रथम वातानुकूलित श्रेणी के एक कोच, द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी के दो कोच, तृतीय वातानुकूलित श्रेणी और शयनयान श्रेणी में 6-6 कोच होंगे। इसके साथ ही इन सभी में सामान्य श्रेणी के भी कोच होंगे। इसी के साथ रेलवे की तरफ से बिहार वासियों को एक और बड़ी सौगात दी गई है, जिसके तहत ही लंबे इंतजार के बाद इस महीने से सहरसा दरभंगा नए रूट पर ट्रेन परिचालन शुरू होने वाले हैं। रेलवे प्रशासन बड़े ही जोर शोर से इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। पूरे आसार हैं कि रेलवे इसी महीने से ट्रेन चलाने की शुरुआत कर देगा। हालांकि इसकी तारीख को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है। समस्तीपुर मंडल के DRM आलोक अग्रवाल ने कहा कि सहरसा दरभंगा नए रूट पर ट्रेन परिचालन इसी महीने से शुरू हो जाएगा। ये ट्रेन सहरसा से सुपौल, निर्मली, सकरी, तमुरिया, झंझारपुर होकर दरभंगा तक जाएगी। इस ट्रेन के शुरू होने से कोसी मिथिलांचल क्षेत्र की लाखों की आबादी को बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। यकीनन इस रूट के यात्री बेहद कम समय और खर्च में दरभंगा से सहरसा तक आना जाना कर सकेंगे। नए रूट पर सहरसा दरभंगा के बीच ट्रेन परिचालन से सुपौल, सरायगढ़, आसनपुर, कुपहा, सकरी, निर्मली, झंझारपुर सहित अन्य जगहों के लोगों को भी बड़ा फायदा होगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।